पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। हमें विक्की पसंद है। ये टैक्सी ड्राइवर तुम्हें पसंद है? हाँ, मैं टैक्सी ड्राइवर आपको पसंद हूँ। अरे ये तो सुबह ही मिला है। हाँ, सुबह ही तो मिला हूँ मैं। हाँ तो क्या हो गया, कुछ घंटों में कोई अच्छा नहीं लग सकता है क्या? हाँ ये भी है, कुछ घंटों में मैं अच्छा नहीं लग सकता इनको। और ऐसे क्यों काव्या? पर ऐसा क्यों काव्या, सही में मतलब? अब वो इसलिए क्योंकि तुम अच्छे हो, तुम सीधे हो और इसलिए मैं प्यारे लगते हो। क्योंकि मैं अच्छा हूँ, सीधा हूँ और प्यारा लगता हूँ। अच्छा तो अभी अभी और क्वेश्चंस नहीं, चलो विक्की हम टैक्सी में घूम के आते हैं। हम टैक्सी में घूम के आ रहे हैं। हाँ चलो। पेरी अरे चुप! वो हम एक्टिंग कर रहे थे फिजूल के रिश्तों से बचने के लिए। देखो थोड़ा सा मुस्कुरा दो ना, हमारे पापा मम्मी देख रहे हैं प्लीज। हमें पता है ना वो बच्चों के लिए होता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो बच्चों से प्रोटेक्शन देता है, हम घर वालों से। कहने का मतलब आप यूज कर रही हैं मेरा। भाई मैं सोचूं आपको मुझ में क्या दिख गया, आप काहे लाइक करेंगी मुझे? करिए करिए करिए, बिंदास यूज करिए, हमें तो आदत है। आई विल बी योर कंधा। कंधा? वो जनरली ब्रेकअप के बाद लड़कियों को लगता है ना गेट ओवर करने के लिए, कंधा। और तुम ऐसे यूज होते रहते हो? हाँ तो क्या मैडम, आजकल के लड़के बहुत कमीने होते हैं, बहुत रुलाते हैं, कोई चुप कराने वाला भी तो चाहिए ना। अब करना क्या? कल सुबह में लेने आ जाओगे प्लीज, हम किराया दे देंगे और टिप भी दे देंगे ऊपर से। फिर तो बंदा हाजिर है। क्यों बुलाया हमें यहाँ? आदि को बोलो पार्टी की टिकट की जिद छोड़ दे, अच्छा नहीं होगा उसके लिए। उसके लिए या तुम्हारे लिए? अजी दूध के दांत टूटे नहीं उसके, सीएम की कुर्सी कहाँ ले पाएगा, बच्चा है वो, संभालो उसे वरना मुंह के बल गिरेगा वो। संभालना तुम्हें है सीमा चौधरी, ये जो नई नई कुर्सी में इतरा के बैठी हो ना, गलती से बैठ गई, अब दोबारा नहीं बैठ पाओगे, समझे? बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो जाती है क्या? वो दवाइयों वाला कांड भूल गए प्रधान, सीएम की कुर्सी के सपने देख रहे थे। क्या हुआ, जेल जाने तक की नौबत आ गई? और ये तो याद होगा ना कि ये सब किया किसने था? अगर हमें कुछ हुआ तो बचेंगे तो आप भी नहीं ना। किसे बचाना चाहते हैं, अपने होने वाले वारिस को, अपनी बहू को या फिर खुद को? सीमा चौधरी आदि आदि, ये उसी ने किया है, ये उसकी करतूत है, उसने हमें धमकी दी थी कि वो हमसे बदला लेके रहेगी, उसी ने हमारे हमारे बच्चे की जान। अपनी सत्ता तो बचा नहीं पाए, बेटे की क्या बचाओगे? हमारा बेटा ना हमसे कहीं ज्यादा होशियार है, सीएम मैडम, इसीलिए यहाँ हमें उसे रोकने के लिए बुलाया ना तुम। पर आदि रुकने वाला नहीं है, अपनी कुर्सी और अपनी सत्ता को संभालने की सोचो। गिरिराज जी, बहुत दिनों बाद आए सर। काव्या बंसल, काव्या बंसल, काव्या बंसल।
हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तुमसे जुड़े हर बंधन को अपने आप से दूर कर देंगे। मिस्टर प्रधान, काव्या ने बच्चा गिरवा दिया है। काव्या का नाम सुन करके परेशान हो गए बेटा। अच्छे बाप का खिताब तो हमें मिलेगा नहीं, हम जानते हैं। 3 साल से तुम्हें तिल तिल तड़प कर भी देख रहे हैं। हमारे राजनीति, हमारी सत्ता, हमारी धन दौलत सब बेमानी लग रही है। बेटे, अगर कुछ है असल जिंदगी में तो वो है परिवार की खुशी। तुम हमें बताओ बेटा, तुम्हें किस चीज की जरूरत है? बेबी, अपने बेबी की हार्टबीट सुनो। जैसे दोनों का ख्याल अच्छे से रखा है, अब ऐसे ही आगे भी कंटिन्यू करना, ओके? जानबूझकर हमारे बच्चे को मारा है तुमने, कातिल हो तुम। योर ब्लडी मर्डर। वो कंसेंट फॉर्म ही था जो आपने साइन किया और जिसमें आपने रजामंदी दी अबॉर्शन के लिए। That's the baby. अपने बेबी की हार्टबीट सुनो। जान बूझ कर हमारे बच्चे को मारा है तुमने, कातिल हो कातिल। योर ब्लडी मर्डर। वो कंसेंट फॉर्म ही था जो आपने साइन किया और जिसमें आपने रजामंदी दी अबॉर्शन के लिए। अबॉर्शन के लिए अब कौन सा गेम खेल रहे हैं हमारे बेटे के साथ? गलती तुम्हारी नहीं है, तुम क्यों यकीन करोगे हम पर? 3 साल से अपने आप को कोस रहे हैं, हम अपने आधे बेटे को कहीं खो न दे, इसीलिए अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मान ली हम अपने बेटे आदि को नहीं खो सकते। उस दिन के बारे में सोचिए जब उसे असलियत का पता चलेगा। सीमा चौधरी, कौन सा मार डालेंगे तुम्हें? ये तुम्हारा याद भी है ना, इसी से तूने हमारे बहु काव्या को गलत दवाइयां दिलवाई थी ना? बहु जी कौन है, ये सच है कि नहीं? कौन सा मार डालेंगे तुझे? जो दवाइयों को घोटाला हुआ है ना, उसमें 10 बच्चों की जान गई और तेरा नाम भी शामिल है उसमें। बॉर्डर से ट्रक पार कराने से लेकर मार्केट में नकली दवाइयां बेचने तक तेरा नाम पूरी तरह से इन्वॉल्व है गिरिराज। इसके सारे कागजात, सबूत, वीडियो सहित है मेरे पास। अगर अरे राज को आपका सच पता चल गया ना, या तो वो आपकी जान ले लेगा या फिर खुद की जान दे देगा। अब फैसला आपको करना है, हमसे ये दुश्मनी निभानी है और अपने परिवार को खुद से दूर करना है, या फिर अपना मुंह बंद रख के जो बचा कुचा है समेटना है। सीमा चौधरी, ये मत सोचना कि मेरा मुंह बंद करवा करके सच दब जाएगा। सच एक ना एक दिन जरूर बाहर आएगा और तुझे तेरे कुकर्मों की, तेरे पापों की सजा जरूर मिलेगी। ये भी मत सोचना कि मैं तुझे सजा नहीं दिलवा पाया। मेरा बेटा आदि तेरे कुकर्मों की सजा तुझे जरूर दिलवाएगा। आदि और काव्या के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए कहीं ना कहीं आप ही जिम्मेदार हैं। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।